वेलकम फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं रिडक्शन फार्मूला की कैलकुलस में। तो अब देखिए, यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला की शुरुआत करें तो रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए फार्मूला विच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल ऑफ सिंपलर बट ऑफ सेम टाइप, कि ऐसा फार्मूला जो एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से कनेक्ट करता है, लेकिन जो दूसरा इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा पहले वाले से, बट होगा सेम टाइप का। जैसे कि अभी मैं आपके पास एक हम रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं, 10 की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं, और फिर आप देखेंगे इस डेफिनेशन की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। तो हम देखते हैं 10 की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला ऑफ फॉर 10 की पावर एन एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला हम देख रहे हैं 10 की पावर एन एक्स का, ठीक है। तो हम देख शुरुआत करते हैं 10 की पावर एन एक्स जो है हमारे पास, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमें इसमें। अगर किसी को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप रिडक्शन फार्मूला अच्छा आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो 10 की पावर एन एक्स को क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, जिसका हमें फॉर्मूला पता होता है उसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स हम ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी 10 स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है कि 1 प्लस 10 स्केयर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स होता है। तो ऐसे ही 10 स्केयर एक्स को हम सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 स्केयर एक्स की जगह पे पुट कर दिया सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स, अब हमें इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स। तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स से, और 10 की पावर एन एक्स से मैंने शुरुआत की थी। अब मेरे पास 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स आ गया, तो 10 की पावर एन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एन लिख सकता हूँ, मीन्स इंटीग्रेशन एन एथ का। और ऐसे ही 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स का इंटीग्रेशन अगर है तो इसको मैं आई एन माइनस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे n माइनस 2 आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी बात की जाए, हम जो आगे वाला है इसको देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 10 की पावर n माइनस 2 एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। मीन्स हमारे पास ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन हो एफ डैश एक्स, ठीक है। ऐसे हमारे पास कोई भी फंक्शन उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन हो एफ डैश एक्स, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जो पावर है उसमें, मान लो इसकी पावर हम ले लेते हैं n, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ये जो पावर आई है वही आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 10, इसका 10x का डिफरेंशिएशन इसके साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर इसमें एक ऐड हो जाएगा, मीन्स 10 की पावर n माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 n माइनस 2 एक्स एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम आई एन से डिनोट कर सकते हैं 10 की पावर एन एक्स को, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस 2। तो आई एन हमारे पास कितना आ गया, 10 की पावर एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ठीक है, माइनस आई एन माइनस 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन, सॉरी, जो 10 की पावर एन एक्स है इसका रिडक्शन फार्मूला आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या बताता है, कि एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से कनेक्ट करता है, लेकिन वो सिंपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई एन और आई एन माइनस 2 हो गया हमारे पास, तो आई एन को आई एन माइनस 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बेसिक समझिए और बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।